महाराष्ट्र में जो है कोरोना का जो फैलाव है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ है। पिछले एक हफ्तों में जो है केसेस करीब करीब दुगने हो गए हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है, ज़िले हैं, वो है अमरावती, यवतमाल और अकोला। इन तीन ज़िलों की बात ज़्यादा हो रही है और इन तीन ज़िलों में जो है मैं ये समझता हूँ कि एक तो हम लोग जो है मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, वो भी देना चाहिए। दूसरी बात है कि स्कूल कॉलेजेस सब खुल गए हैं तो लोगों का जो है एक दूसरे से मिलना बढ़ गया है, और अगर आप उसके बारे में मास्किंग नहीं रखोगे तो स्वाभाविक है कि आपको जो है इन्फेक्शन होना ज़्यादा पॉसिबल है। तीसरी बात ये भी चर्चे में है कि ये जो स्ट्रेन है वहाँ का वो शायद ज़्यादा इन्फेक्शस है, उस वजह से जो इन्फेक्शन जो है ज़्यादा जल्दी फैल रहे हैं, पर इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बहुत हमको जो है ऑफिशियल रिपोर्ट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम इसके बारे में पूरी तरह से निश्चित रूप से बता पाएंगे। कोरोना का जो वैक्सीन के ऊपर का जो प्रभाव है वो ये है कि वैक्सीन के पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में 28 दिन का अंतर है। वो उसके बाद जो है दूसरा डोज रिकमेंड किया गया है ताकि दूसरे डोज के दो हफ्तों के बाद जो है आपको पूरी एंटीबॉडीज निर्माण होगी आपके शरीर में। इसलिए पहले और दूसरे डोज के बीच में शरीर में ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है ज़्यादा, एंटीबॉडीज पैदा नहीं होती है जो कि आपको वायरस से बचा सके। इसलिए अगर पहले और दूसरे डोज के अंदर अगर आपको कोरोना के व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उनको जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस है, अगर उन्होंने मास्किंग, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना किया हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैक्सीन फेलियर है। जैसा मैंने बताया कि वैक्सीन में जो है एंटीबॉडी दो हफ्ते के बाद ही पैदा होती है सेकेंड डोज के, तो पहले और दूसरे डोज के बीच में किसी को भी जो है कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। वैक्सीन लेने के बाद कृपया अपना मास्क बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथ को बार बार धोइए और 31 दिसंबर 2021 तक मास्क निकालना नहीं है, ये प्रण लीजिए। तो पूरी दुनिया में जो है और भारत में जो है इसको हम री इन्फेक्शन जो कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, इसका बहुत अच्छा है कि जो जो परसेंटेज है बहुत कम है, परसेंटेज करीब 0.5% के करीब है। और ये इस कारण से है कि हमको जो कोविड के बाद जो एंटीबॉडीज पैदा होती है शरीर में वो शायद 3 से 6 महीने रहती है। तो 3 से 6 महीने के बाद आपको जो है कोविड वापस अगर आप किसी के संपर्क में आ जाए तो इन्फेक्शन होने की चांसेस है। दूसरी बात यह कि अगर आप कोई म्यूटेंट स्टेट के व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो शायद आपको दूसरे किसी स्ट्रेन से इन्फेक्शन होने की शक्यता है। पर इन सब चीज़ों को अगर पूरी तरह से एनालाइज किया जाए तो उसका जो रेट है वो 0.5 से ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो उसलिए मैं यही कहूँगा कि लोगों को डरना नहीं है, हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से चल रही है, इसको और हमको मजबूत करके आगे बढ़ाना है ताकि जो हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिसको हम 50 साल के ऊपर विद कोमॉर्बिडिटीज वाले बोल रहे हो उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिले। पूरे जो स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए और हम 6 से 8 महीने के अंदर हमारे 30 करोड़ के ऊपर लोगों को जो है वैक्सीनेशन दे पाए।